ग्लोबल भारत समझ खबर की बड़ी खबर प्रतापगढ़ जिले से आ रही, जहां प्रतापगढ़ में तीन और जमाती निकले कोरोना पॉजिटिव। जिले में हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या अब तक 6। आज देर शाम आई 31 लोगों में से 28 की निगेटिव रिपोर्ट, जबकि 3 लोगों को पॉजिटिव की रिपोर्ट आते ही प्रतापगढ़ एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। अब तक जिले में कुल 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये सभी तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, इससे पहले 3 अप्रैल को हमारे जो सैंपल हमने भेजे थे 11 जिसमें 28 निगेटिव आए हैं और 3 आज पॉजिटिव आए हैं, तो कुल मिलाकर संख्या 6 हो गई है। पहले जो लोग पकड़े गए थे वो लोग नरसिंहगढ़ में पाए गए थे, नरसिंहगढ़ की जो मस्जिद है वहाँ पे मिले थे और उनको फिर हमने तुरंत आइसोलेट किया था यहाँ L1 में। बाद में फिर शासन की नीति बदली तो प्रयागराज में जो L1 है वहीं पे पूरे मंडल के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको वहाँ रखा गया है, ट्रीटमेंट चल रहा है। अब आज ये 3 आए हैं, इनको भी हम लोग तत्काल शिफ्ट कर रहे हैं एम्बुलेंस से प्रयागराज की L1 फैसिलिटी में। और जहाँ तक इनकी बात, इनके साथ में 14 लोग थे टोटल, जो जिनको बताया गया कि महाराष्ट्र के भिवंडी से आए थे और यहाँ पे डेरवा में रुके हुए थे। जैसे ही हमें गोपनीय सूचना मिली हमें तुरंत इनको वहीं पे क्वारंटाइन किया, वहीं फोर्स लगाया और उनका सबकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई और स्क्रीनिंग में इन सबको किसी कोई ना कोई लक्षण था ना कुछ और था। ये 19 मार्च को आए थे। सर, ये जिन जगहों पे शेल्टर इनको दिया जा रहा है, जो प्रबंधक है मदरसे के या मस्जिद के, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? ये हमारी बात हो गई है कप्तान साहब, बताया है कि भाई जहां भी इस तरह का अगर कोई इनको आश्रय दे रहा है। ग्लोबल भारत के लिए प्रतापगढ़ से सिद्धार्थ मिश्रा की रिपोर्ट।